हाई स्टूडेंट्स, वेलकम टू PhD जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। सो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे जो इस साल के लिए PhD के लिए नोटिफिकेशन आया है, वो डिटेल में डिस्कस करूंगी। सो एग्जैक्टली हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देन आफ्टर दैट यहाँ पे कौन से स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्जाम देनी है, कौन से स्टूडेंट्स को नहीं देनी है, देन वेदर आपको नेट, स्लेट, गेट इनमें से कोई एग्जाम रिक्वायर्ड है या नहीं है, एंड आप यहाँ पे कितने सारे सब्जेक्ट्स के लिए आवेदन कर सकते हो, यानी कि कितने सारे PhD प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल है। सो ये सारे डिटेल्स हम इसी वीडियो में देखेंगे, ओके। एंड ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश यहाँ पे इस साल के लिए PhD के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं। सो टू क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट्स, आपको ये वीडियो एंड तक देखना है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, ओके। सो नाउ लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश वेबसाइट, एंड यहाँ पे जैसे ही आप नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको यहाँ पे काफी सारे नोटिफिकेशंस नजर आएंगे। सो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है फॉर द हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पत्रता परीक्षा, एंड उस बेसिकली नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। सो दिस इज द नोटिफिकेशन, देन आपको एक नया विंडो मिल जाएगा, देन यहाँ पे अगेन द सिमिलर नोटिफिकेशन है, देन व्यू डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है, देन आफ्टर दैट आपको एक ब्रोशर मिल जाएगा। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि HPK VS PP एंट्रेंस एग्जाम जो है उसका पैटर्न क्या है, देन आफ्टर दैट हम बाकी के डिटेल्स देखेंगे, ओके। सो स्टूडेंट्स, इस एंट्रेंस एग्जाम को सभी PG कैंडिडेट्स को देना है, बाकी के सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने नेट, सेट या फिर स्लेट इनमें से किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई किया है, उनको ये एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, ओके। सो इस एंट्रेंस एग्जाम में आपके दो पेपर्स रहेंगे, Paper 1 and Paper 2। Paper 1 इज फॉर जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें आपको 60 MCQs पूछे जाएंगे फॉर 60 मार्क्स, जिसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी एंड सिचुएशन एनालिसिस, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड Paper 2 विल बी फॉर 60 मार्क्स, एंड इट विल बी फॉर सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिसमें आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर 60 MCQs पूछे जाएंगे। सो इसके लिए जो सिलेबस है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द UGC नेट, एंड आपको यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस प्रोवाइड किया है, एंड उसी सिलेबस को आपको रेफर करना है फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम, ओके। सो अगर आपको इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, देन आप सभी को 50% मार्क्स स्कोर करने हैं, तभी आप एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। सो जैसे ही आपने यहाँ पे देखा कि देर इज एन एंट्रेंस एग्जाम, एंड उस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आप सभी कैंडिडेट्स को 50% मार्क्स स्कोर करने हैं। सो इस एंट्रेंस एग्जाम में जो Paper 1 है, विच इज फॉर जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी एंड सिचुएशन एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। सो ये सारे टॉपिक्स हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स में कवर किए हैं, जो हम सभी आपके लिए प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप HPK VS PP एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। सो इस कोर्स में हम सभी आपको इन सारे टॉपिक्स के ऊपर फुल सिलेबस, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स प्रोवाइड करते हैं। सो वीडियो लेक्चर्स में थियोरीज एंड MCQs दोनों भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। हम सभी आपको फुल सिलेबस, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। हम आपको 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिविजन PDF प्रोवाइड करते हैं, और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है, ये भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है, ओके। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस कंप्लीट कोर्स को परचेस करना चाहते हो, देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड देखो, कोर्स की फीस भी बहुत कम है, विच इज ओनली 699, एंड इन कम फीस में हम आप सभी को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं, कि गारंटीड आप Paper 1 में अच्छे मार्क्स स्कोर करके HPK VS PP एग्जाम को क्वालिफाई कर ही सकते हो, ओके। सो स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम दैट, हम सभी आपके लिए HPK VS PP 2023 Paper 2 का स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, जिस स्टडी मटेरियल की मदद से आप Paper 2 में अच्छे मार्क्स स्कोर करके एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हो। सो इस स्टडी मटेरियल में आपको फुल सिलेबस, नोट्स एंड MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं। सो MCQs सेक्शन में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs एंड PYQs प्रोवाइड किए जाते हैं। सो बाय द यूज ऑफ दिस MCQs एंड PYQs आप गारंटीड Paper 2 को क्वालिफाई कर ही लेते हो, यानी कि Paper 2 में आप अच्छे मार्क्स स्कोर करके एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर ही लेते हो। सो यहाँ पे जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे पास Paper 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। सो अगर आपको इनमें से किसी और सब्जेक्ट के लिए
स्टडी मटेरियल चाहिए देन उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो पेपर टू स्टडी मटेरियल की फीस सिर्फ 999 रुपीज़ है एंड इनकम फीस में हम सभी आपको गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं कि गारंटीड आप पेपर टू में भी अच्छे मार्क्स स्कोर करके एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हो। सो टू ज्वाइन पेपर वन एंड पेपर टू कोर्सेज आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके फाइन, सो नाउ लेट इस गो बैक टू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड हम बाकी के डिटेल्स देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी नाउ स्टूडेंट्स की एग्जैक्टली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सो स्टूडेंट्स आप सभी के पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स तभी आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। SC ST OBC नॉन क्रिमिनल दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया है। सो यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोवाइड किया है। सो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे देख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। ओके सो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आप सभी को बताया JRF विच इज एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई UGC CSIR ICAR DBT ICMR एंड DST NET SET SLET ये सारे कैंडिडेट्स बेसिकली एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्ट रहेंगे। ऐसे कैंडिडेट्स को एंट्रेंस टेस्ट नहीं देनी है। सो एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपको 50% मार्क्स की ज़रूरत होती है एंड SC ST OBC नॉन क्रिमिनल एंड दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए 40% मार्क्स की ज़रूरत होती है। जैसे ही आप एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हो यूनिवर्सिटी आपको सर्टिफिकेट देती है जो 2 साल तक वैलिड रहता है एंड इन 2 साल में आप कभी भी विदाउट एंट्रेंस टेस्ट आफ्टर दैट PhD के लिए आवेदन कर सकते हो और एडमिशन ले सकते हो। ओके सो मैंने आप सभी के साथ एंट्रेंस टेस्ट का तो सिलेबस जो है वो डिस्कस किया एंड एज वेल उसका पैटर्न भी डिस्कस किया है। सो स्टूडेंट्स एंट्रेंस टेस्ट में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है एंड द एंट्रेंस टेस्ट विल बी फॉर 2 आवर्स एंड आपके एंट्रेंस टेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के कैंपस में ही होगी। सो लेट अस सी कि यहाँ पे कितने सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। मैनेजमेंट टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ इकोलॉजिकल एडवेंचर हेल्थ एंड कल्चरल टूरिज्म, एनवायरमेंटल साइंसेज, फिजिक्स केमिस्ट्री एनिमल साइंस प्लांट साइंस कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेटिक्स लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस इंग्लिश हिंदी संस्कृत जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन न्यू मीडिया इकोनॉमिक्स सोशल वर्क सोशियोलॉजी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज जम्मू कश्मीर स्टडीज एजुकेशन विजुअल आर्ट्स एंड योगा स्टडीज। सो ऐसे ओवरऑल 27 सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। ओके सो नाउ लेट अस सी की एप्लीकेशन फीस क्या है। सो जनरल कैटेगरी EWS OBC क्रिमिलेयर कैंडिडेट्स की फीस है 500, OBC कैटेगरी नॉन क्रिमिलेयर कैंडिडेट्स की फीस है 400, SC ST दिव्यांग कैटेगरी कैंडिडेट्स की फीस है 200। सो बहुत कम फीस है यहाँ पे। नाउ लेट अस सी की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। सो नोटिफिकेशन 14 जून को आया था, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 30 जून, देन एंट्रेंस टेस्ट डेट इज 16 जुलाई, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट डेट इज 25 जुलाई एंड कार्ड आपको यानी कि एडमिट कार्ड आपको 10 जुलाई को यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। सो अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना है देन वो आप इस वेबसाइट पे जाके कर सकते हो। सो दिस इज द सिमिलर वेबसाइट। सो यहाँ पे जाके आप न्यू रजिस्ट्रेशन करके लॉग इन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। सो जैसे यहाँ पे आपको सीट्स की इन्फॉर्मेशन कोई दी नहीं है यूनिवर्सिटी ने, सो बाद में यूनिवर्सिटी नोटिफाई करेगी। सो मैं आप सभी को बाद में उस रिगार्डिंग नोटिफिकेशन प्रोवाइड करूंगी। ओके सो स्टूडेंट्स लेट अस सी वंस अगेन द कोर्स दैट वी प्रोवाइड टू ऑल ऑफ यू इन डिटेल। सो स्टूडेंट्स जैसे ही इस कोर्स का नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स। सो इस कोर्स में हम सभी आपको रिसर्च एप्टीट्यूड के साथ लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी जनरल मेंटल एबिलिटी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी एंड सिचुएशन एनालिसिस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन सारे टॉपिक्स के ऊपर फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें थियरीज एंड MCQs दोनों का भी समावेश है। हम सभी आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। सो इसमें बेसिकली ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेंस 40 MCQs एंड दैट्स ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं। हम सभी आपको 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिविजन PDF प्रोवाइड करते हैं जिस PDF की मदद से आप ये सारे टॉपिक्स एक ही PDF में रिवाइज कर सकते हो एंड गारंटीड आपको 80% MCQs इसी PDF में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी और यू कैन से पेपर वन यानी कि जनरल एप्टीट्यूड ऑफ द HPK VS PP एग्जाम। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स या यू नो
यहाँ पे जितने भी सारे टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कोर्स में कवर किए हैं। सो कंप्लीट कोर्स को परचेस करने के लिए आप इधर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोर्स की फीस सिर्फ 699 रुपीज़ है एंड इनकम फीस में हम आपको गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं कि गारंटीड आप HP के VSPP एग्जाम को क्वालिफाई करोगे ही। सो अगर आपको डेमो वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, अगर आपको डेमो मॉक टेस्ट देने हैं, देन वो भी आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे जाके देख सकते हो, दे सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट हम सभी आपके लिए HP के VSPP 2023 पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिस स्टडी मटेरियल की मदद से आप पेपर 2 में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो एंड आफ्टर दैट आप एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हो। सो इसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं। सो MCQs सेक्शन में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs एंड PYQs प्रोवाइड किए जाते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ MCQs एंड PYQs ऑब्वियसली आप पेपर 2 में अच्छे मार्क्स स्कोर कर ही लेते हो। सो यहाँ पे जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। सो इनके अलावा अगर दूसरे कोई सब्जेक्ट के लिए आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, देन उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। देखो पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फीस सिर्फ 999 रुपीज है एंड इनकम फीस में हम आप सभी को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं कि गारंटीड आप पेपर 2 में अच्छे मार्क्स स्कोर करके एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर ही लेते हो। सो टू ज्वाइन पेपर 1 एंड पेपर 2 कोर्सेज आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हो। मैं आप सभी को इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूंगी। ओके, सो स्टूडेंट्स अंटिल टुडे जितना भी मैंने इस सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस किया है, ओके, सो इसमें अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स।